दोस्तों एच एट की जगह एच है नंबर ही पड़ गया था, एच है नंबर यहाँ, ठीक एच। यहाँ देखिए 2 4 6 8, यहाँ भी समान अंतर है, 2 है 2 का 4 है 6 8 है, यानी कि यहाँ भी जो डिफरेंस है सब में 2-2 का है, यहाँ भी दोस्तों डिफरेंस 2-2 का है, यहाँ भी दोस्तों यहाँ भी डिफरेंस 2-2 का है, लेकिन यहाँ जो है डिफरेंस यहाँ 2 का है, देखिए 2 है डिफरेंस, यहाँ 2 डिफरेंस है, यहाँ पर 1 ही डिफरेंस है, यानी कि इसको हम लोग आउट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा ये तीनों से अलग है। उसके बाद छठा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी का डी हो जाए, और अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि जो बी है, ये बी तो नंबर 2 पे आता है, बी का डी हो जाए, यानी कि बी जो हो जाए बी का डी हो जाए, यानी कि यहाँ 4 है तो बी जो हो जाए डी हो, बी का डी हो जाए और सी का आई हो जाए, तो डी का क्या होगा? तो समझने का यहाँ थोड़ा सा है कि किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। तो